ये देखिए हमारे आटे का हलवा कितना स्वादिष्ट लग रहा है, यकीन मानिए इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगा है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रसोई रेखा की। तो दोस्तों मीठा खाने का मन तो कभी भी कर सकता है, तो ऐसे मौकों पर हलवा ही है जो सबसे इजी और झटपट बन सकता है। तो दोस्तों इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आटे का हलवा बनाने के सबसे पहले हम कढ़ाई में लगभग 100 ग्राम तक घी गर्म कर लेंगे। हमारा घी अब गर्म हो चुका है। घी के गर्म होने के बाद अब हम इसमें 100 ग्राम तक आटा डालेंगे। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि हम घी में आटे को थोड़ा थोड़ा करके क्यों डाल रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि अगर हम पूरे आटे को एक साथ घी में डाल देंगे तो आटे में बहुत सारे गट्ठे बन सकते हैं और जिसके कारण हलवा खाते वक्त हमें बहुत मोटापन लगेगा। तो इसी कारण हम घी में आटे को थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, इससे हमारे हलवा एकदम टेस्टी बनेगा और इसमें कोई गट्ठे भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप भी जब घी में आटा डालें तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, वरना आपके हलवे में भी गट्ठे बन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आटे को पकाते पकाते जो हमारा घी है वो आटे में बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें 1 गिलास तक पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसमें 100 ग्राम तक चीनी डालेंगे और चीनी को हम हलवे में अच्छे से एकदम मिला लेंगे। और हाँ, इस समय आपको अपना जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम पे रखना है और इसे लगातार अपने हाथों की मदद से चलाते रहना है। और ये चलाते चलाते आप देख सकते हैं कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल हलवे के शेप में आ चुका है। तो जब आपका भी हलवा ऐसे दिखने लगे तो इसी समय आपको डालना है कुटी हुई इलायची, जो इसके स्वाद और इसकी महक को 2 गुना कर देगा। और यही था इसका आखिरी स्टेप। और इसके बाद आपको इसको लगातार हिलाते रहना और इसके बाद आपका हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखा दोस्तों, हमने बातों ही बातों में अपने आटे का हलवा बिल्कुल तैयार कर लिया। तो इस आटे के हलवे को अपने घर पे बनाइए आप भी और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।